तो वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ के बारे में कि आखिरकार आईपीओ क्या होते हैं, किस प्रकार से जो है हम आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आखिरकार हम आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करें। तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऑलरेडी मैं कुछ वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दे रहा हूं, तो इस वीडियो से पहले आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए हमारे पहले टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार आईपीओ है क्या। तो जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, जनरली उसके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं फंड राइजिंग के। या तो वो कंपनी किसी बैंक से लोन ले ले जिसे उसे कुछ समय बाद कुछ इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ता है, या तो फिर उस कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन होता है इक्विटी फाइनेंस का, जिसके जरिए जो फंड राइज किया जाता है उसे उस कंपनी को वापस लौटाना नहीं पड़ता। तो आईपीओ के जरिए जो फंड राइज किया जाता है वो पब्लिक से किया जाता है, और जब उस फंड को लौटाना नहीं पड़ता तो फिर आखिरकार पब्लिक को क्या मिलता है। तो आईपीओ के जरिए उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी को बेचा जाता है जिसे पब्लिक के जरिए पहली बार खरीदा जाता है। तो यदि किसी कंपनी को पब्लिक से फंड राइज करना पड़ता है तो उसे मार्केट में पब्लिकली लिस्ट होना पड़ता है। तो कंपनी की जो हिस्सेदारी उसे स्टॉक के रूप में दी जाती है, तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। तो जब किसी कंपनी के द्वारा पब्लिक से पैसा उठाया जाता है तो वो कंपनी एक इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करती है, तो वो बैंक उस कंपनी की एक्चुअल वैल्यू को निकालता है और बैंक और उस कंपनी के द्वारा उसके शेयर की प्राइस डिसाइड की जाती है। तो हम मानकर चलते हैं उस कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 1000 करोड़, और मार्केट में वो कंपनी अपनी 10% हिस्सेदारी को बेचना चाहती है। तो 10% हिस्सेदारी का मतलब है पब्लिक से कंपनी आईपीओ के जरिए 100 करोड़ रुपए उठाना चाहती है, तो अब उस आईपीओ की कंपनी और इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा प्राइसिंग की जाती है। तो चलिए हम मानकर चलते हैं एक शेयर की कीमत रखी गई है 1000 रुपए, तो इस प्रकार आपकी जो नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे वो रहेंगे 10 लाख। तो यदि एक लॉट में 10 शेयर रखे जाते हैं तो आपकी जो लॉट की क्वांटिटी रहेगी वो रहेगी 1 लाख। तो यदि हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आईपीओ की जो कीमत है वो 100 करोड़ रुपए निकल कर आ जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट की जो प्रोसेस होती है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, सेकंड जो कैटेगरी होती है वो होती है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, और जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है रिटेल इन्वेस्टर की, जिनमें हम सब ये आ जाते हैं। कैटेगरी के हिसाब से सबको रिजर्व किया जाता है। तो जिनमें क्यूआईबी का जो कोटा होता है वो होता है 50% का, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का जो कोटा होता है वो होता है 15% का, और रिटेल इन्वेस्टर का जो कोटा होता है वो होता है 35% का। तो यदि किसी व्यक्ति को आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो वो 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकता, उसे लॉट के मल्टीपल में जो शेयर खरीदने पड़ते हैं, जैसे एक लॉट में 10 शेयर आते हैं तो इस प्रकार उसे मल्टीपल के हिसाब से खरीदने पड़ते हैं, तो उसे 10, 20, 30 इस प्रकार से जो है शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि आखिरकार हम आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करें। तो आईपीओ का जो रिटर्न होता है वो आपको कम समय में ज्यादा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आईपीओ वेस्ट होता है। कुछ आईपीओ अच्छे भी होते हैं तो कुछ आईपीओ बुरे भी होते हैं। तो उसके लिए हमें कंपनी के फंडामेंटल्स और फ्यूचर प्लान्स को देखना पड़ता है। जब किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा एक ट्रांसपेरेंसी बनाई जाती है ताकि लोगों को पता चले कि आखिरकार हम इस आईपीओ में इन्वेस्ट क्यों करें। तो उस कंपनी की पूरी डिटेल जैसे बिजनेस प्लान, प्रमोटर डिटेल्स, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्यूचर बिजनेस प्लान, रिस्क और अपॉर्चुनिटी, इस टाइप की जो सभी चीजें हैं इन पब्लिकली किया जाता है ताकि लोगों को पता रहे कि आखिरकार कंपनी के प्लस माइनस पॉइंट क्या है और वो सोच समझ कर जो है आईपीओ में इन्वेस्ट कर सके। तो चलिए आईपीओ के कुछ हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो हाल ही में बर्गर किंग का जो आईपीओ आया था उसकी जो इशू प्राइस थी वो थी 60 रुपए, लेकिन जब उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था तब उसकी जो प्राइस थी वो थी 115 रुपए। तो आईपीओ का जो फंडा होता है वो पूरा डिमांड और सप्लाई के बेस पे काम करता है। मतलब पब्लिकली यदि 1 लाख शेयर अलॉट किए गए हैं तो लोगों के द्वारा 156 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी आईपीओ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो आपको मिले, क्योंकि जब आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तो उसके मिलने के चांसेस जो है वो उतने ही कम हो जाते हैं। तो तब इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर इसे लॉटरी बेसिस पे किया जाता है जो कि कंप्यूटराइज होता है। तो चलिए आईपीओ का एक हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जब एरकॉन का आईपीओ आया था तब उसकी जो इशू प्राइस थी वो थी 475 रुपए, लेकिन जब उसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया गया था तब उसकी जो प्राइस थी वो थी 410 रुपए। तो हम इन दोनों एग्जांपल से ये समझ लेते हैं, जहां एक आईपीओ में हमें 90 से 93% का रिटर्न देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरे आईपीओ में 13 से 14% का डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार हम आईपीओ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा जो डीमेट अकाउंट है वो मैंने जीरोधा के साथ ओपन किया है, तो यदि आप भी अपना डीमेट अकाउंट जीरोधा के साथ ओपन करना चाहें तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, तो यदि आप चाहें तो अपना डीमेट अकाउंट वहां से ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने डीमेट अकाउंट को ओपन करते हैं आप यहां पर देख सकते हैं राइट कॉर्नर में आपको आपकी आईडी दिख रही है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक आईपीओ का ऑप्शन आ रहा होगा। तो आईपीओ के बटन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कुछ आईपीओ आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। हेरनवा का जो आईपीओ वो करंट में चल रहा है, न्यूरिका का जो आईपीओ वो ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो जो आने वाले आईपीओ हैं वो आप यहाँ पर चेक अपकमिंग आईपीओ पे जाकर देख सकते हैं। तो जिस भी आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसकी बिट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हेनवा की जो डिटेल्स है वो ओपन हो चुकी है। तो इसी डिटेल्स पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप इसकी डिटेल्स है वो यहाँ पर देख सकते हैं। 23 तारीख से ये ओपन हुआ है, 25 तारीख को क्लोज होएगा। 70 लाख के समथिंग यहाँ पर शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, 626 से लेकर 627 इसकी प्राइस रखी जा रही है। एक लॉट में जो है आपको यहाँ पर 23 शेयर खरीदने होंगे। तो यदि आपको कंपनी की पूरी डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ पर रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए अब आपको यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी देनी होगी। तो यदि आपको जो है 23 से ज्यादा शेयर खरीदने हैं तो आपको जो है 23 के मल्टीपल में शेयर खरीदने होंगे। तो प्राइस
हिसाब से आप यहाँ पर कोई प्राइस भी दे सकते हैं या फिर आप जो है नॉर्मली से कट ऑफ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वांटिटी और प्राइस डालकर जो है आप एग्री के बटन पर क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो प्राइस निकल कर आ रही है 14,421 रुपए। तो इन्हें आपको अपने बैंक में रखना है जब तक आपके जो शेयर है अलॉट नहीं हो जाते। तो यदि आपको शेयर अलॉट होते तो आपको जो है शेयर मिल जाएंगे और आपका पैसा कट जाएगा, और यदि आपको शेयर नहीं मिलते तो आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, और इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।